सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वैलिडेशन इन फास्ट एपीआई। अब देखो, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेरी पैरामीटर और पाथ पैरामीटर। ओके, ये था हमारा पाथ पैरामीटर, ये उसका हमने दो एग्जाम्पल देखे थे, सॉरी एक एग्जाम्पल देखा था, और क्वेरी पैरामीटर ये था उसका हमने वन एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं, देखो क्वेरी पैरामीटर वो होता है जो हम लोग यूआरएल में चेंजेस करते हैं। ओके, हम लोग जो कुछ भी यूआरएल में लिखते हैं, यूआरएल मतलब ये पॉइंट। ओके, और जो हमारा था पाथ पैरामीटर वो होता है, ये पाथ है हमारा, यहाँ पे फंक्शन में हम लोग जो पाथ लिखते हैं, गेट फंक्शन में जो हमने पाथ लिखा उसको पाथ पैरामीटर कहते हैं, और क्वेरी पैरामीटर वो होता है जो हम लोग यूआरएल में कुछ भी ऐड करें। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वैलिडेशन। अब वैलिडेशन मतलब, अब आप एग्जांपल देखो, हम लोग करते हैं पासवर्ड वैलिडेशन, मतलब कि हम लोग कुछ कंडीशन लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग वैलिडेशन। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पाथ वैलिडेशन एंड क्वेरी वैलिडेशन। तो सबसे पहले हम लोग पाथ वैलिडेशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये है हमारा। अब देखो, ये वीडियो देखने से पहले आप मेरी लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, तो आपको उसमें पाथ और क्वेरी के बारे में अच्छे से समझ लग जाएगा। ओके, अब देखो, मैंने हर बार हर वीडियो में एक ही एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐप नेम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद मैंने गेट फंक्शन का यूज किया जो कि हम लोगों को, जहाँ पे हम लोग पाथ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जब हमने फंक्शन को क्रिएट किया, मतलब कि हमारा हेलो फंक्शन है ना, वहाँ पे हम लोग यूजली क्या करते हैं, नेम कोलन फिर str, बस हमारा इतना ही होता है। बट यहाँ पे हमने क्या लिखा, इक्वल टू पाथ, इक्वल टू पाथ, जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, बस हमारे इस कोड में बस यही न्यू थिंग है जो आपने समझनी है, बाकी सब पुराना है, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ये हमने क्या किया, इज इक्वल टू पाथ, मतलब कि हम लोगों ने नेम वाले वेरिएबल में एक वैलिडेशन करनी है, तो वैलिडेशन करने के लिए हम लोगों को पाथ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। हमने पाथ फंक्शन के अंदर क्या लिखा, अब देखो यहाँ पे दो डॉट्स लिखे फिर कॉमा लिखा, हमने फिर क्या लिखा, मिनिमम लेंथ इक्वल टू 3 कॉमा मैक्सिमम लेंथ इक्वल टू 10, मतलब कि जो भी हम लोग यहाँ पे नेम जो है, हम लोग जो भी नेम की वैल्यू देंगे ना, तो उसकी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 3 और मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए 4। ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पे वैलिडेशन लगा दी। अब फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग इस कोड को रन करके देखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप याद रखना, फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में आपने अपना विजुअल स्टूडियो कोड बंद कर दिया होगा, तो अब कंफ्यूज नहीं होना कि आपने ये कोड कैसे चलाना है। सिमिलरली आपने टर्मिनल पे जाना है और वहां पे जाके ये वाली कमांड लिख देनी है, तो जैसे आप ये कमांड लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका ये वाला जो कोड है वो रन हो जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे ये आपका आ जाएगा जहां पे आपका रन होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, हेलो उसके बाद बैक स्लैश उसके बाद नेम। ओके, तो यहां तक तो हमारा यूआरएल सेम रहेगा जो हम लोगों को, फॉर एग्जाम्पल जब आप इसको रन करोगे ना इस कमांड को, तो आपके पास यहाँ पे यूआरएल आ जाएगा। मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ, कहाँ गया URL? ये रहा, जैसे मैंने इसको रन किया, मतलब ये मैंने यूवीकॉन का कमांड लिखा जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, तो जैसे मैं इसको रन करूंगी यहाँ पे आपके पास URL आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल क्लिक करके इस पे क्लिक कर देना है, कंट्रोल अपने कीबोर्ड से बटन दबा के इस पे राइट क्लिक कर देना, तो ये कमांड हमारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यही आपको करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पे मेरी आई ओपन हो गई। ओके, अभी यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, नॉट फाउंड। अब वो यहाँ पे नॉट फाउंड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ यही वाली कमांड लिखी है, बट जो हमने कोड लिखा है, हम लोग कोड इसको रन कर रहे हैं, और इस कोड में हम लोगों को क्या गिवन है, जो हमारा पाथ है वो कह रहा है कि आपने बैक स्लैश दे के हेलो लिखना है जो कि इस फंक्शन का नेम है, उसके बाद बैक स्लैश दे के हम लोगों ने वैल्यू देनी है, और वो जो नेम की वैल्यू है ना वो 3, जो उसका साइज है वो मिनिमम लेंथ उसकी 3 होनी चाहिए और मैक्सिमम लेंथ 10 होनी चाहिए, मतलब 3 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे रन करके देखते हैं, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बैक स्लैश दिया उसके बाद हेलो लिखा उसके बाद बैक स्लैश दिया उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कोडिंग लिख दिया और मैंने इसको रन कर दिया या मैंने इसको एंटर क्लिक कर दिया। वन मिनट, मैंने शायद से इसको सेव नहीं किया।
हाँ तो यहाँ पे मैं सेव करना इसको भूल गई थी, तो मैंने इस कोड को कंट्रोल एस से सेव कर लिया। अब जो मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया नेम कोलन कोडिंग, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कोडिंग क्रेन वर्ड लिखती हूँ, कोडिंग क्रेन, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करती हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया। वो क्या एरर आया यहाँ पे देखो, आप मैसेज क्या है कि स्ट्रिंग शुड हैव एट मोस्ट 10 करेक्टर्स, बट हम लोगों ने क्योंकि मैक्सिमम लेंथ हमने क्या दी थी 10 होनी चाहिए, बट कोडिंग क्रेन में 10 से ज्यादा एलिमेंट्स है, अल्फाबेट्स है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे एक एरर आ गया। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर हम लोग इसके लास्ट के 3 हटा दें और अब मैं इसको एंटर करूं तो यहाँ पे अब मेरे पास ये आउटपुट आ गई, क्योंकि अब ये 10 से छोटा है नंबर, सॉरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आपको कोड समझ लग गया। अब देखो यहाँ पे हमने ये तो नॉर्मल डिस्कस कर लिया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल नेम के ऊपर वैलिडेशन लगा दी, जो कि ये वैलिडेशन है। बस ये छोटा सा कोड है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, तो पाथ फंक्शन का यूज करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसको कमेंट डाउन कर देती हूँ और मैं इसको हटा देती हूँ। अब ये देखो, अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल का यूज किया, एक तो नेम और दूसरा एज। अब हमने इसमें कैसे वैलिडेशन लगाई, यहाँ पे देखो सेम करना है। हम लोगों ने यहाँ पे पहले स्टार दे दिया, वो स्टार इसलिए दिया क्योंकि हमको नहीं पता कि कितने वेरिएबल्स आएंगे। उसके बाद कॉमा दे के नेम, फिर यहाँ पे हम लोगों ने पाथ दिया, ये वैलिडेशन लिखी इसकी नेम की, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे नेम की वैलिडेशन है, और कॉमा दे के हमने क्या लिखा, एज की वैलिडेशन लिखी। तो नेम की तो हमने पुरानी वाली लिख दी, और एज में हमने क्या लिखा, एज क्या होनी चाहिए, इंट। जैसे नेम हमने str लिखा, मतलब कि कोई स्ट्रिंग होना चाहिए, वैसे ही जो एज है वो क्या होनी चाहिए, इंट। उसके बाद इक्वल टू पाथ लिखा, फिर हम लोगों ने 3 डॉट लगाए, कॉमा। अब देखो GE का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो वो 1 या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, जो हम लोगों ने यहाँ पे इंट वैल्यू देनी, मतलब कि एज। और 100 यहाँ पे LE का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो LE मतलब लेस देन इक्वल टू, मतलब 100 से वो छोटा होना चाहिए। तो ये हमारी यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे पाथ में वैलिडेशन इसकी लगा दी, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको रन करना चाहते हैं तो अब अगेन हम लोगों को यहाँ पे 2 वैल्यूज देनी है, एक तो हमने नेम देना है और एक एज देना है। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है, यहाँ पे मैं अभी कोडिंग लिख देती हूँ, फिर बैक स्लैश, और अब मैंने यहाँ पे कोई एज देनी है, तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 23 दे दी और मैंने इसको एंटर कर दिया। सॉरी अभी मैंने इसको फिर से सेव करना भूल गई। अब मैंने इसको सेव किया और अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गई कोडिंग और एज जो है वो 23, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस कोड में क्या देखा, पाथ में वैलिडेशन कर रहे हैं। पाथ में वैलिडेशन मतलब कि हम लोग यहाँ पे जो वैलिडेशन का सिंटेक्स इसका यूज कर रहे हैं। तो ये हमने सिर्फ नेम पे किया, और यहाँ पे हमने देखा अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो तो उसमें हमने कैसे वैलिडेशन करनी है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और GE का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे बेसिकली आपको बता देती हूँ, 4 होते हैं, GE कॉमा GT कॉमा। अब GE मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, E से इक्वल, और जो GT है ना, GT मतलब ग्रेटर देन, T मतलब देन। वैसे सिमिलरली LE कॉमा LT, ठीक है। तो ये लेस देन और लेस देन इक्वल टू। तो ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पे जो हम लोग यूज कर सकते हैं, जो मैंने इसको एक्सप्लेनेशन दी। मतलब अगर आपने इंट लगाना है तो यहाँ पे आप ये सब चीजें यूज कर सकते हो, और अगर स्ट्रिंग है तो आप मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया पाथ वैलिडेशन। अब मैं इसको कमेंट डाउन कर रही हूँ। अब लास्ट हमारा जो है यहाँ पे है क्वेरी वैलिडेशन। अब क्वेरी वैलिडेशन क्या कहता है, यहाँ पे मैं इसको ये कर रही हूँ। अब देखो क्वेरी का मतलब फिर से क्या होता है, अगर हम लोग URL में कोई भी चेंजेस करें, ओके। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने सेम कोड लिखा। अब देखो सॉरी मैं आपको एक बात और बताना भूल गई, यहाँ पे हम लोग जब कोड कर रहे थे ना, हम लोग पहले क्या करते हैं, फ्रॉम फास्ट API इम्पोर्ट फास्ट API। अब अगर आपने पाथ में कोई वैलिडेशन करनी है ना, तो आपको पाथ भी यूज करना पड़ेगा, तो कॉमा देके आपने यहाँ पे पाथ का भी यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेरी का यूज किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्वेरी और पाथ दोनों में चेंजेस कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पे पाथ में चेंजेस किया, और जब हम लोग क्वेरी लिखेंगे तो वहां पे भी हम लोगों ने कुछ चेंजेस करने हैं। अब सेम यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल, ये एज और नेम। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, नेम पे ऊपर हमने वैलिडेशन लगा दी, और उसके बाद हमने सिमिलरली एज के ऊपर भी वैलिडेशन लगा दी। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक और लिखा परसेंट, यहाँ पे एक परसेंट वेरिएबल लिखा कोलन इंट,
इक्वल टू क्वेरी। अब देखो हमने क्वेरी में चेंजेस करने हैं तो हमने यहाँ पे क्वेरी फंक्शन का यूज किया, और अभी तक हम लोग पाथ में कर रहे हैं तो हमने पाथ का यूज किया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपने एक पर्सन नेम का वेरिएबल यूज करना है, उसमें जो नंबर होना चाहिए मतलब वो इंट है तो यहाँ पे मतलब कि नंबर होना चाहिए, तो वो जो नंबर है ना वो जीरो या जीरो से बड़ा हो या हंड्रेड से छोटा हो, या तो वो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, और लेस देन इक्वल टू मतलब या तो हंड्रेड हो या हंड्रेड से छोटा हो, मतलब बेसिकली जीरो और हंड्रेड के बीच में होना चाहिए वो नंबर। तो अब हम लोग यहाँ पे ये कोड को यूज करते हैं, मैंने यहीं से डायरेक्ट कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर रही हूँ। सॉरी मैं इसको फिर से सेव करना भूल गई, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और अब मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, वन मिनट यहाँ पे इसको सेव किया और मेरे को यहाँ कोई एरर तो नहीं मिल रहा, नहीं। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा ओके ओके, यहाँ पे मैंने कोडिंग क्रेन वर्ड लिखा, ये 10 से बड़ा है, यहाँ पे मैं सिर्फ कोडिंग लिखती हूँ। अब मैं एंटर करती हूँ, यहाँ देखो यहाँ पे मेरे को ये आउटपुट मिल गया। वो आउटपुट क्यों मिला मेरे को, पहले मेरे को एरर क्यों आ रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोडिंग क्रेन लिखा था और हमने यहाँ वैलिडेशन लगाई है, जो हमारा इंट है, जो हमारा नेम है सॉरी, ये हमारा मैक्सिमम लेंथ 10 होनी चाहिए, तो मैं कोडिंग क्रेन में 10 से ज़्यादा, इसलिए वो एरर आ रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, कोडिंग, और यहाँ पे एज में हमने एज की वैल्यू दे दी, फिर हमने परसेंट लगाया। परसेंट क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क देके आपने परसेंट इक्वल टू 79 लिखा, मतलब कि अगर हमारी जो परसेंट की वैल्यू है वो अगर जीरो या जीरो से हंड्रेड से छोटी होगी तभी वो हमारा कोड जो है वो रन करेगा। ठीक है, तो कोडिंग क्रेन, यहाँ पे मैं क्रेन को हटा देती हूँ, सिर्फ कोडिंग लिखती हूँ वरना हमको एरर मिलेगा। सबसे पहले नेम लिख दिया, ये एज 2 है, यहाँ पे सेव हो गई। उसके बाद हमने क्वेरी लिखी कि परसेंट वेरिएबल का हमने यूज करना है, तो हम लोग अब ये क्वेरी है, अभी तक हम लोग बैक स्लैश यूज कर रहे थे क्योंकि हम लोग पाथ में चेंजेस कर रहे थे। जैसे ही हमारी क्वेरी में चेंज हुआ हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है, क्वेश्चन मार्क देके वहां पे हमने परसेंट वेरिएबल लिखा और इक्वल टू कर दिया 79, तो हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू ना होती, अगर हम लोग कोई नंबर अलग से लिखते तो हम लोगों को वहां पे एरर मिलता। तो ये हमारा था क्वेरी वैलिडेशन। क्वेरी वैलिडेशन मतलब कि हम लोग यहाँ पे ये चेंजेस कर रहे हैं, और मतलब इस कोड में हमने बेसिकली क्या किया, दोनों चीजें की है, पाथ की वैलिडेशन भी की है और क्वेरी वैलिडेशन भी की है। बट इस कोड में जो अपने ऊपर देखा वहां पे हम लोगों ने सिर्फ पाथ की ही वैलिडेशन की थी। तो ये था हमारा पाथ एंड क्वेरी वैलिडेशन इन फास्ट एपीआई। थैंक यू।